दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल AAS हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में। जैसे कि हम हमारे वीडियोज में आपको अनेकों पेड़ पौधों के बारे में जानकारी देते रहते हैं, तो आज हम आपको एक ऐसे सुगंधित विशेष पौधे की जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मरुआ का पौधा, जिसे सब्जा के नाम से भी पहचाना जाता है महाराष्ट्र में। तो ये जो पौधा है दोस्तों, एक सुगंधित पौधा होता है। इसमें एक अच्छी खासी सुगंध आती है, जैसे हवा के झोंके के साथ अपने आप हवा में इसकी सुगंध फैलती रहती है। तो अभी आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि अभी इसमें पत्ते तो कम है ये, लेकिन ये तुलसी के समान ही पत्ते होते हैं। मिर्च या तुलसी के समान हरे कलर के इसमें पत्ते होते हैं। और इसकी एक दूसरी प्रजाति है जिसमें श्याम वर्ण के पत्ते होते हैं, जिन्हें बहुत ही अच्छा सुगंध होता है। और अभी आज इसके जो बीज देख रहे हैं तुरेदार, और उसके बीज थोड़े गुच्छे वाले होते हैं ये, जबकि तुरेदार होता है। आमतौर पर यह पौधा ग्रामीण इलाकों में सड़कों के किनारे या कोई बंजर जमीन पर या खेत खलियानों में पाया जाता है, परंतु आजकल हम देखने में आया है कि ये हर्बिसाइड वगैरह का जो यूज करते हैं लोग, उससे इस पौधे की जो पैदाइश है वो बहुत कम हो रही है। और ये पौधा जो आप देख रहे हैं, ये एक औषधि पौधा है। इसकी सुगंध, इस पौधे को घर के आसपास आप अगर लगाते हो तो मलेरिया पैदा करने वाले जो मच्छर है वो आपके घर के आजू बाजू नहीं आते, और आप मलेरिया से बच सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये जंतुनाशक होता है। जैसे कि हवा में जो वायरस फैले होते हैं, उन वायरसों को ख़त्म करने में ये काफ़ी कारगर साबित होता है। इसलिए हमारे आजू घर के आजू बाजू अगर ये लगा रहा, हमारे बगीचे में या आस पड़ोस में लगा है, तो हमारे जो भी वायरस, कोरोना जैसे वायरस फैल रहा है, ऐसे संक्रमित करने वाले वायरसों से अपना बचाव हो सकता है। और दोस्तों, जैसे कि ये तापनाशी होने से आप इसको सर्दी, जुकाम या बुखार में भी इसका सेवन कर सकते हैं, और पुदीने के तरह इसकी चटनी बनाकर भी आप खा सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी होती है और बहुत सुंदर उसका स्वाद होता है। दूसरी दोस्तों, जो बच्चों में पेट में कृमि या जंत की शिकायत हम जिसे कहते हैं, वो शिकायत के लिए भी इसके पत्तों का रस 2-3 बूंद अगर हम बच्चों को पिलाते हैं तो वो कृमि से उनको राहत मिलती है और कृमि नष्ट हो जाते हैं। तो इतना ये अच्छा पौधा, इसका भी हमें जतन करने की ज़रूरत आ पड़ी है, क्योंकि ये निसर्ग से ख़त्म होते जा रहा है, या ऐसी कुछ चीज़ें होती है। तो हम अगर अपने बगीचे में ये इसका संगोपन करें तो इसका एक सुगंध जो आता है दोस्तों, ये वैसे तुलसी के समान ही एक पूजनीय और अच्छा पौधा है, जो कि हर धर्म के लोग इसको मानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म के लोगों इस मरुआ के पौधे के बारे में यानी सजग है, और इसको सुगंधित पौधे के तौर पर लगाया जाता है गमलों में या बगीचों में। उसके साथ साथ दोस्तों, इसके हम आपको जो दिखा रहे हैं, इसके जो बीज निकलते हैं, ये काले बीजों को, ये जो छोटे छोटे इसमें बीज देख रहे हैं आप, इनको अगर आप पानी में डालते हैं तो ये कुछ देर के बाद सफ़ेद हो जाते हैं, और उनको भी आप खाते हैं तो बहुत ही पौष्टिक हो जाता है। इसका आप शरबत भी धूपकाले में बना सकते हैं, और शरबत में भी डाल सकते हैं इसके बीज, तो ये और इसके पत्ते भी सेंट के लिए आप डाल सकते हैं। तो इतना बहुउपयोगी पौधा है, तो ये पौधा आप ज़रूर अपने बगीचे में, गमले में या घर के बाहर तुलसी के आजू बाजू में लगाएं, तो ये बहुत सेहत के लिए अच्छा हो सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि दूसरी जो प्रजाति है दोस्तों, तो ये आप पौधा देख सकते हैं, अभी तो फिलहाल छोटा है, बड़ा पौधा हमारे यहाँ सूख गया है। तो ये जो छोटा पौधा है, इसमें देख सकते हैं आपके, इसमें जो बीज आए हैं ऊपर गुच्छे में बीज आए हुए हैं, और इसकी पत्ती आप देख सकते हैं साफ तौर पर, अभी तो हरी है, पर ये थोड़ा सा स्याह रंग यानी श्याम तुलसी के कलर में इसके पत्ते होते हैं। तो ये जो पौधा है दोस्तों, तो ये मरुआ का सर्प चिकित्सा में भी उपयोग किया जाता है, पर आप जब कोई करे चिकित्सा तो किसी तज्ञ आदमी का थोड़ा सा मार्गदर्शन से करे, हम बताए इसलिए नहीं, और इसका डिटेल में आप जानकारी लेकर कर सकते हैं। ये इतना बहुउपयोगी पौधा दोस्तों, कि जंत, वायरस, सर्दी जुकाम नाशक होता है, और ये ताप नाशक भी होता है। तो इसको बुखार में भी ले सकते हैं, सर्दी जुकाम में भी ले सकते हैं, इतना ये। और सुगंध इसका दोस्तों बहुत अच्छा काफ़ी होता है, तो ये आप सेंट के लिए पुदीने जैसे इसको कर सकते हैं। तो इसका ये जो हम आपको जो जानकारी दिए, ये आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
और दोस्तों आने वाले समय में हम और आपको अच्छे अच्छे नए प्रजाति के पौधों के बारे में बताएंगे, तो आप इसलिए हमारा चैनल AAS आर्ट आस हार्टिकल्चर एंड नेचर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो जल्दी से जल्द आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।